पारा शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर के पारा शिक्षक जो है स्थायीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। स्थापना दिवस की पारा शिक्षक ने सरकार के सामने मांग रखी है, या तो सरकार उनके स्थायीकरण की मांग पूरा करे, अदरवाइज उनको बर्खास्त करे। कुछ जो पारा शिक्षक है वो हमारे साथ मौजूद है। आप लोग क्या स्थायीकरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं? नहीं सर, हम लोग आपको प्राथमिक विद्यालय में या मिडिल स्कूल में जो भी विद्यालय में हैं, हम लोग किस तरह सरकारी टीचर जितना समय तक ड्यूटी करते हैं उतना समय तक हम लोग भी ड्यूटी करते हैं। और इस एवज में हम लोग को जितना मानदेय राशि उसको मिलना चाहिए उतना हम लोगों को भी मिलना चाहिए सर, क्योंकि वो भी जितना समय तक स्कूल में समय देते हैं उतना हम लोग भी समय देते हैं। और सरकार कह रही है आपके मांगे कहीं मानी गई, कल्याण कोष सरकार की है, मानदेय इसके बावजूद भी आप आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, ये पैसा में हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। इसी मुद्दे पर हम लोग छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये सब के आधार पर हम लोग। जब आपकी नियुक्ति हुई उस वक्त तो ये तो कभी बात नहीं कही गई कानून की आप ये स्थायीकरण की, अब अचानक स्थायीकरण की मांग या सरकार पर दबाव बनाए? तमाम राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य में, कभी भी ऐसा नहीं होता, सब में शुरुआत में सब इसी तरह से हुआ था। तो हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ का हम लोग मांग कर रहे हैं सर, जब वहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ सरकार दे सकती है, अन्य राज्यों में दे सकती है, बिहार में दे सकती है, तो यहाँ झारखंड में संसाधन कमी तो नहीं है, यहाँ क्यों नहीं दे सकती सरकार? सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है, आपकी गिरफ्तारी हो रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम इसको बहुत ही निरंकुश भाव से देख रहे हैं कि सरकार आज भी लगता हम लोग 2004 से सेवा दे रहे हैं, अभी तक हम लोग का जिस तरह का उम्र है बाल बच्चे सब बड़ा हो गया है, बेटी भी समझिए कि शादी ब्याह का उम्र में आ गया है। अब हम लोग एक ही समझ रहे हैं कि या तो मरना है, इसके अलावा और कुछ हम लोग का जिंदगी। सरकार स्थायीकरण की घोषणा नहीं करती है, आज आपको यहाँ से खाली हाथ लौटना है, कुछ तो सोच के आए सर हम लोग, क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, आंदोलन करें यहाँ पे, रात में हम लोग विरोध करेंगे, विरोध करना इसलिए जब छत्तीसगढ़ हम लोग मात्र 8 से 9 हज़ार दिया जा रहा है, क्या हम लोग का परिवार इसमें छप पाएगा? हमारे 3 बच्चे जैसे हैं, 3 बच्चे 2 का 4 बच्चे हैं, समय मानदेय भी नहीं दिया जाता है, और अगर मान लीजिए किसी समय हम लोग 4 महीने का मानदेय रोक दिया जाता है, और क्या कहते हैं सरकार कि हम तोहफा दे रहे हैं, हमारी कमाई और हमको तोहफा दिया जाता है। आप लोग कोई पहली बार रांची नहीं पहुंचे, मुरादाबादी से भी पहली बार आए और खाली हाथ लौट गए हैं? बार पहुंचे हैं रांची, लेकिन हमारी समस्या को सरकार नहीं सुन रही है, वो सिर्फ अपना ध्यान दे रही है कि अपना पीढ़ी बनाने की पारा शिक्षक संघ जिंदा है या मर गया है या मर जाएगा उसके बारे में सरकार की सोच नहीं है। नेगेटिव सोच है सरकार को, नेगेटिव इसका है विचार, कभी सकारात्मक विचार को लेकर के सरकार समीक्षा की ओर नहीं जा रही है। पहले सवाल करने हमारा भविष्य का पता नहीं है तो बच्चे का भविष्य क्या हम देखें? मेरा अपना ही भविष्य नहीं है। मुर्दाबाद।